अफगानी जो यहाँ से हमला करने आते थे यहाँ से और उसके ऊपर यहाँ से तोपों से हमला आता था। ये मुझे लग रहा है अस्तबल है, ये यहाँ पर घोड़े बांधे कहीं गाड़ी खराब हो जाए या कोई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक। आपने पिछला व्लॉग हमारा देखा था तो हम कार पे यहाँ पर पहुँचे थे, उसके बाद यहाँ पर सन यानी कि सुबह का निकले हुए शाम हो चुकी थी और यहाँ पर जो है हम अपना सूरज ग्रुप होने वाला था तो हमने कहा कुछ रील्स वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद आगे का सफ़र हम बताएंगे आपको। हम आए खुशहाल खान खटक खुश्क साहब का जो है किला है ये। कौन सा खुश्क था भाई वो, ये दरिया खुशहाल खान था, ये खुश्क था, खुद कौन, खुद क्या, कौन था ये, बस कोई था जो भी उसी का किला है। नाम क्या है, ये उनके असली वारिस हैं भाई साहब, हमें लेके आए हैं, शहजादे हैं, शहजादे हैं यहाँ, ये इस दौर के शहजादे हैं। अभी ये नहीं किया है, अभी वो चौकीदार को कहा है कि दरवाजा खोलो, छोड़ो लेके सुने ना। तो है ना, एक टांग ऊपर बांधेगा एक टांग नीचे, सही है, जो बीच वाला नजर आ रहा, लड़का ना नजर आएगा। अफगानी लोग जो है ना यहाँ से हमें, अफगानी जो है यहाँ से हमला करने आते थे यहाँ से, फोटो जो है चलाता था इनका दादा, दादा पर दादा इनका 1780 का ही है। तो ये जो है मेरी कोट देखें एक्टिंग कर रहा है ये दरवाजा खटका। टालपुरों के दौर का है तो हिस्ट्री का सेशन शुरू करते हैं गाइस। शाबान जमाली के चैनल पर हमें रानी कोट के कोट मरी कोट में ये 17वीं सदी में टालपुरों के दौर में बना था, वहाँ का वज़ीर आज़म था नवाब वली मोहम्मद लिगारी, उसके अंडर तो ये बादशाह वहाँ पर रहता था, ये उसकी असल में बैठक है, किला है उसका। बैठक के वहाँ बैठ के वो फैसले करता था, फैसले वो गुजरे, अच्छा वो भी होता था वो जो आप भी नहीं सोंदा नाले मेनू भी जगाना है, आप समझ रहे हो बाकी आप बातें। हाँ यहाँ से जो है तोपे चलाते थे हमारे दादा पर, वीडियो पर गाइज यहाँ देख सकते हैं आप, मेरा मोबाइल जो है मेरे भांजे के पास था, वो रिकॉर्ड कर रहा था और वो अब अपना मेरा मोबाइल सेट कर रहा है कि कहाँ पर जो है मैं ये मोबाइल रख के जो है ना आगे चलता हुआ जाऊँगा, फिर वेबसी आऊँगा, रील्स बना रहा है और वो वीडियो उसने रिकॉर्डिंग पे लगा दी है। और ये आगे देखें, इसने यहाँ पर मोबाइल रख के ये भूल गया है और उसके बाद ये वापसी ही नहीं आया और 7 मिनट तक वो मोबाइल वहीं पर पड़ा रहा और हम जो है ना पूरा किला चारों तरफ से ऊपर से उसकी जो दीवार है वो घूम के वहाँ पर जाके पहुँचे तो देखा कि मोबाइल वहीं पर ही पड़ा हुआ है और ये जनाब जो है ना गायब है, यही नहीं ये अपने मोबाइल पे वहाँ जाके वीडियोस बना रहा है, इसके काम चेक करें, ये जाते ही भूल गया। इसकी छत भी उड़ गई है और वहाँ वो नए गोदाम वोदाम बना दिए उन्होंने, तो यहाँ पर जो है मेला भी लगता है, सखाफती मेला लगता है यहाँ, फुल लाइटिंग शाइटिंग होती है और शाम होने अंधेरा यानी कि होना शुरू हो गया है और ठंड बढ़ती जा रही है, हाथ पैर हमारे सुन हो रहे हैं क्योंकि ये बहुत पहाड़ों पे बहुत बुलंदी पे ऊँचाई पे, तो
अभी एक कुछ ये सामने बना हुआ है वो देखिए आप, वो ऊपर ऊपर किला है कोटे, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता पता नहीं कहाँ से, पैदल है जाने का रास्ता, पैदल होगा गाड़ी का नहीं है मेरे ख्याल में, बहुत दूर है यहाँ से, पूरा नीचे नज़ारा हो सकता है क्योंकि यहाँ जब हमला होता था तो नीचे पूरा देख सकते थे कहाँ से कोई फौज आ रही है और उसके ऊपर यहाँ से तोपों से हमला होता था, चुम चुम चुम, और नीचे से मर रहे होते थे भाई, सिर्फ कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी ये यहाँ से यहाँ तोपें रखी जाती। अच्छा आज के दौर में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे जाते हैं, लगाए जाते हैं, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, ये सीसीटीवी कैमरा है पुराने दौर के 70वीं सदी में, ये इनको सीसीटीवी कैमरा की जगह पर इस्तेमाल किया जाता था, वॉच टावर इसको कहा जाता था, वॉच टावर। तो यहाँ से अगर वो तोफ यहाँ से चलाई जाती थी और छोटी जो बंदूकें होती थी और तीर वगैरह वो यहाँ से पहले तीर चलाए जाते थे, बाद में फिर बंदूकें आ गई, फिर बंदूकें यहाँ से चलाई जाती थी सुराखों से, निशाना बड़ा पक्का होता था नीचे वालों का, फिर भी जो है ना किले पता नहीं कैसे फतेह कर लेते थे। तो जगह है बहुत खूबसूरत, रास्ता बहुत ख़राब है फिर भी आप आ सकते हैं यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त जगह बनाई हुई है, ये दीवार ये पूरी ये जो चल रहे हैं ना रास्ता, आजकल हमारे रोड इतने अच्छे नहीं होते जितनी ये दीवार है, 70वीं सदी की दीवार अभी तक वैसे की वैसी है, इसको आँच भी नहीं आई, पता नहीं न जाने कितने इसके ऊपर हमले हुए तोपों से, बड़े बड़े सुल्तानों ने इसको फतह करने की कोशिश की, कईयों ने की होगी हमें इतना हिस्ट्री का पता नहीं है, लेकिन आप जाके गूगल कर लें, फौज ने हमला कर दिया है, अभी हम जा रहे हैं वहां पर उनके ऊपर हमला करने, फौज ने हमें पता चला है हमला कर दिया है और मैं उनके ऊपर हमला करने जा रहा हूँ, फौज कहाँ है, फौज याद है याद है याद है, सुल्तान तोफ चलाओ, सुल्तान सुल्तान तोफ चलाओ ही घटिया हरकत की है आपने, जिसने भी की है फजल खोसो बोसो जो भी लिखा है खोसो साहब, ये सद्दाम खोसो साहब ये बहुत गलत हरकत है, यहाँ रखने का क्या फायदा है, ये आपके अब्बा की जगह नहीं है, ये एक जो है ना तारीखी विरसा है, ऐसा ना किया करें, शर्म करो खोसा साहब, ये हमारा भी एक अभी खोसा है वो भी जगह जगह पर जैसे ऐसे ही गंद मचाता रहता है, तो ऐसा नहीं किया करो, हमें देखो ये पानी की बोतलें ये खाली होने वाली है, लेकिन ये हम हाथ में उठा के ले जाएंगे डस्टबिन में डालेंगे, ऐसे नहीं फेंका करो, पब्लिक सर्विस में से जरूरी होता है, कोई बात नहीं समझ रहे हो हम ये यहाँ से सीढ़ियाँ हैं वो टावर के बाद, और यहाँ से हम उतरेंगे और अब हम घर जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ कभी महफिलें हुआ करती होंगी, क्या क्या हुआ होगा, ये मुझे लग रहा है अस्तबल है, ये यहाँ पर घोड़े बांधे जैसे एंट्री होती है वहाँ गेट से, तो यहाँ के घोड़े बांधे जाते होंगे, ये घोड़ों का अस्तबल है और घोड़े यहाँ बांधे जाते थे, घोड़े कहाँ पर बांधे जाते थे फरहान भाई, घोड़े कहाँ, जिससे रानी को पानी जाता था, रानी को पानी जाता था या रानी को पानी पिलाया जाता था, रानी को पानी तो कहीं और से जाता होगा, ये तो बहुत गहरा है, तो नीचे जाकर नहाने का जरूरत नहीं है, बाल्टी से पानी बाहर निकालो कर इधर नहाने का। तो यहाँ से हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ, तो रात हो चुकी थी और चांद जो है बिल्कुल रेड रेड हो रहा था जैसे अमावस की रात होती है, और दोस्त मुझे डरा भी रहे थे कि यहाँ पर भूत होते हैं पहाड़ों में, ये होते हैं देवी होती है भेड़िए होते हैं, बाहर हाथ ना निकालो मोबाइल भी ले जाएंगे तुम्हारा हाथ भी काट के ले जाएंगे, मैंने कहा भेड़िए के कराची से आए हैं क्या जो हाथ भी ले जाएंगे, तो यही बातें चल रही थी और आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चल रही थी, इलाका भी ऐसा था कि डर भी लग रहा था और बस चल रहा था सफ़र हमारा, और यहाँ पर पानी आ गया, पानी में कह रहे हैं कि डेंगू जो है ना मच्छर होगा, साफ़ पानी में ही डेंगू मच्छर होता है, शीशे बंद कर दिए, और फिर दोस्त भी यही कह रहा था आगे आप सुने खुद। पूरा जंगल ही जंगल है, पहाड़ों के बीच में रास्ते हैं सुनसान, कोई बंदा ना बंदे की साथ, एक सिर्फ हमारी अकेली गाड़ी ही चल रही है,
कहीं गाड़ी खराब हो जाए या कोई भी ऐसा इशू हो जाता तो हम तो फंस ही जाते यहाँ पर। दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, नेटवर्क भी नहीं आ रहा था यहाँ पर पहाड़ों के बीच में, चारों तरफ कोई चीज़ नहीं। और ये वहाँ जो एंट्रेंस है, रन्नी कोट की एंट्रेंस है, और हम मेरी कोट तक गए थे, वहाँ जाके हम घूम के आए थे। तो यही यहाँ से ही हमारा सफ़र चल रहा है। और सामने से जो है भैंसे आ गई थी, भैंसे नहीं गाय, ढेर सारी गाय। हमें डर लग रहा था कहीं ये गाड़ी में ना घुस जाएं, क्योंकि लाइट चल रही थी, उनको पता नहीं नज़र नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या। A few moments later. भाई ये जो है ना, यहाँ पर खाना अभी आया ही नहीं है, उससे पहले स्टार्टर में ये सब कुछ इन्होंने ला के रख दिया है। क्या ये सब कुछ फ्री है? ये सब कुछ फ्री है। तुम कराची वालों से ऑटो लेने के भी पैसे लेते हैं, हमारे पास इतना कुछ फ्री है। ये क्या बात करते हैं यार? यार ये कैसी बातें कर रहा है यार कराची वालों, कुछ बड़ा दिल दिखाओ यार। इंतजार क्यों कर रहे हो? आसान होने का अफ्तारी का नहीं, वीडियो खाना खाने की बनेगी। माल आ गया, माल। तो गाड़ी के पीछे गाड़ी लगी है वो, और मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, मुझे चोर पकड़ रहे हैं, मेरे दोस्त पता नहीं कहाँ गए, मैं गुम हो गया हूँ। भागो भागो भागो, पकड़ 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 पकड़।